लोगों ने किया नहीं पीहर में, जैसे होता है पीहर में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, देखा है हमने, ऐसा कुछ देखा ही नहीं, फिर कैसे करेंगे? तो इस बात का ऑब्जेक्शन उठाना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, छोटी सी बात है। बाकी घर के और काम तो मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी सब कुछ जो होता है, जो एक लेडीज़ को अपने घर में करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही मैं ही करती हूँ, वो तो सभी करते हैं, पता है मेरे को, सब करते हैं, लेकिन मेरे कामों पर क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं सब? नहीं उठाना चाहिए ना, आप लोग अपने घर में काम करो, मेरे ऊपर इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है मेरे इसमें मामलों में? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े सुखाने लगी थी रक्षित के, बहुत धूप तेज़ हो रही थी, मतलब हमारे यहाँ पे ना धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो मैं रक्षित के मैं निकाल के ले आई थी कपड़े पानी उसमें सुखाने वाले में, इसलिए लेके आई थी। मैं कहा चलो 10-15 मिनट में सूख जाएंगे, फिर पता क्या होता है हवा चलती है बहुत तेज़ की ना, हवा चलती है ना तो मतलब गिरते फिरते हैं, फिर गंदे होते हैं, मट्टी लगती है, तो मेरे को ना गुस्सा आ जाता है, मतलब इतनी मेहनत से कपड़े धो फिर गंदे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कहा चल मैं ये फटाफट सुखा लेती हूँ और 15-20 मिनट बाद इसको उतार कपड़ों को निकाल लूँगी, कमरे में रख लूँगी। तो इसलिए मैंने ये कर दिए थे, कपड़े लगा दिए थे। इसके बाद फिर हम 3-2.5 बजे करीब नीचे आ गए थे। ये देख लो ये रक्षित के पापा ना भैंस को नहला रहे थे, तो मैं कहा चलो नहला लो क्योंकि पानी आ रहा था, तो सारा पानी भर भर भी गया था और फिर कपड़े भी धुल गए थे मेरे। तो मैं कहा चल ये तो ये भैंसों को नहला रहे थे, और पता है ये भैंस ना खुली हुई थी, और कभी भैंस वैंस खुली होती है ना तो मैं कभी नहीं जाती क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे इन चीज़ों की ना आदत नहीं, मुझे डर लगता है कि मार ना दे, हालांकि मारती तो है नहीं, देखो मना करते रक्षित पापा की नहीं मारती, जिनको आदत होती है ना उन लोगों को सब नॉलेज होती है भाई, देखो मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को इन चीज़ों का पता नहीं है, है ना। तो इसलिए तो फिर मैं शॉक्ड हो गई थी कि मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल पास में ही बैठी थी और रक्षित पापा नहला रहे थे, और ये देखो सामान वामान पड़ा है भैंसों का, ये सारा खाना वगैरह, मैं चलो नहला लो। और रक्षित को भी जिद लग गई थी फिर नहाने की, मम्मी मैं तो मैंने कहा था मैं कहा नहलाऊंगी रुक जा तो पहले पापा को इसको नहलाने दे। तो फिर इसको मैं ले गई थी, मैं कहा चल रक्षित पापा तो भैंसों को नहला रहे थे, मतलब मेन जो रक्षित पापा का जो मेन है भैंसे रखने का भाई, उनको पसंद है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो अब जिसको जो पसंद है वो वही काम करता है ना, कोई किसी के अकॉर्डिंग तो चलता नहीं है। अब मेरे कहने से तो कोई भैंसे बेच नहीं देगा, अब नहीं बेच रहे भाई, अपने ऊपर रख रहे हो तो करो, ठीक है ना, करो भाई, मुझे क्या है, मैं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही तू ये क्यों कर रहा है तू, बस मुझसे मत बोलो क्योंकि मेरी खुशी नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि दूध तो हमें वैसे भी वही पीना है, वैसे भी वही पीना, क्यों करूँ मैं? जिसको बुरा लग रहा हो कर लो, आके आ जाओ कर लो, तुम क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे रक्षु देखो यहाँ पे नहाने लग गया है, रक्षु को पानी दे दिया था मैंने, पानी भरा देख लो, इसमें खुद भरा है इसने, और मैंने सारा भर दिया था पानी, और फिर इसके रक्षित के पापा आ गए थे, इसको नहला के अंदर ले गए थे, इन्हें तो ये तो बहुत देर तक बैठा रहता। इसके बाद ही इवनिंग में तैयार व्यार हो गया था, फिर देखो कहाँ घूमने गया, मतलब ना इसके पापा तो कहीं चला गया था काम से, तो अपने पापा को ढूंढने यहीं निकल जाता है। अगर चलो तो देखो फ्रेंड्स यही ब्लॉग्स होते हैं मेरे, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है सपोर्ट करो। एक दो दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए थे, आज भी मेरा ब्लॉग लेट है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरे अब डेली ब्लॉग्स आए करेंगे, ठीक है, और ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जितने भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और सपोर्ट मी गाइस। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है बस, और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कहते हैं ना सबसे अलग कर दिया, अरे तुम मेरे लिए कर क्या रहे थे जो मुझे अलग कर दिया तुमने, मुझे तुम्हारे सहारा ही क्या था ये बताओ, मुझे किसी का कोई सहारा नहीं था, चाहे कोई निवाले दे रहा हो चाहे कुछ दे रहा हो, ठीक है। कोई पशु आ जाएगा जल्दी, आ जा आजा बिट्टू, ठीक है पापा नहीं है पापा उड़े नहीं है ना, पापा ये आ गया, आ जा बाहर है पापा, जल्दी आ जा जल्दी आ।